द्वापर युग में जब द्वैतवादी शुरू होता है, द्वापर युग से जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, तो उस समय जो आधार मूर्त आत्मा होती है, जो उस समय की सबसे पतित आत्मा होती है, आधार मूर्त कोई एक थोड़े ही है, जितने भी नारायण हैं सतयुग के कम कलाओं वाले, वो कम कलाएं वाले बनते ही तब हैं जब पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं। वो कमजोरी होने के कारण उन नारायणों का कोई गायन भारतवर्ष में है ही नहीं। वो नारायणों वाली आत्मा एक नहीं है, आठ नारायण हैं सतयुग के जो कीर्ति कला वाले हैं। हाँ, तो जो आधार मूर्त आत्मा है, जिस जो कि उस समय की सबसे पतित आत्मा होती है, जिसमें नहीं तो प्रवेश करती है। नहीं, जो आधार मूर्त हैं, जिनमें प्रवेश किया, आधार लिया ऊपर से आने वाले धर्म पिता ने, वो ज्यादा पतित है, या उसको जन्म देने वाला बाप ज्यादा पतित, बाप तो उनसे भी ज्यादा पतित है, वो बीज रूप आत्माएं हैं उस धर्म की, जो उन आधार मूर्तों को जन्म देती है। तो उनमें प्रवेशता होनी चाहिए, क्योंकि जो है तो उनमें प्रवेशता होनी चाहिए, जो सबसे पतित होती है उसमें वो प्रवेश करती है ना। नहीं, ज्ञान ज्यादा किसमें होता है? बीज में। फिर जिसमें ज्ञान ज्यादा होगा वो अपने को सेफ करेगा, या जिसमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान उठाया ही नहीं है, मतलब द्वैन नंबर की पतित आत्मा में प्रवेश करती है। हाँ जी, आधार माने जड़, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत है, ज्ञान का बल भी ज्यादा है, योग का बल भी ज्यादा है, धारणा का भी बल ज्यादा होता है। जो बीज होते हैं, जो बीज है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो तो सिर्फ जन्म लेते उनमें। कन्वर्ट होना उसे कहा जाता है कि इस जन्म में हम हिंदू बने, माना देवता धर्म के थे वो हिंदू कहलाने लगे, तो उनको कन्वर्ट करके मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने या बौद्धियों ने अपने धर्म में खींच लिया, तो वो कन्वर्शन हुआ उसी जन्म में। लेकिन जो जन्म एक धर्म में लें और फिर कभी भी उस जन्म में कन्वर्ट न हो, जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया सिद्धार्थ में, तो सिद्धार्थ वाली आत्मा उसी जन्म में कन्वर्ट हो गई आधार मूर्त, लेकिन उसको जो जन्म देने वाला बीज रूप बाप है वो कन्वर्ट नहीं होता, देश निकाला दे देता है इसको, महात्मा बुद्ध को, जिसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, निकल जाओ हमारे राज्य से बाहर, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, हम पुत्र के मोह में आकर के धर्म नहीं त्यागेंगे, ऐसी पक्की आत्माएं होती हैं बीज रूप, उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन थोड़े वर्षों के बाद उनके कान में आवाज पड़ती है कि मेरा बच्चा सिद्धार्थ, जिसमें बुद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म चलाया, वो सिद्धार्थ देश विदेश में बड़ा नाम कमा रहा है, चीन में, जापान में, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख को कन्वर्ट कर लिया, पूरा देश के देश कन्वर्ट हो गए, तो उनको मोह तो आएगा कि मेरे तन से पैदा हुआ बच्चा इतना पावरफुल और मैंने उसे देश निकाला दे दिया, तो मोह खींचता है, और
जब बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ जाती है दो चार जन्म के बाद, तो उस मोह के कारण वो आत्मा बौद्ध धर्म में जाकर के जन्म ले लेती है, मोह खींच ले जाता है। तो जो जिस धर्म की जो बीज है वो उस मतलब वो अनेक जन्म लेती रहती उसी धर्म में है? बीज है वो बार बार उसी धर्म में जन्म लेती रहेगी, क्यों लेती रहेगी? वो तो जाती है राजाई स्थापन करने के लिए, बाप के सहयोगी है या आधार मूर्तों के सहयोगी है? तो जो बाप के सहयोगी हैं, वो निराकार बाप आकर के निराकार रुद्रमाला के बच्चों को राजाई देता है, तो साकार बाप कौन है? वो निराकार बाप है जो निराकार बनने वाले बच्चों को जन्म जन्मांतर की राजाई देता है, वो निराकार बाप का काम है। तो साकार बाप कौन है इस दुनिया में? है प्रजापिता। तो जो प्रजापिता साकार बाप है उसका काम है इस सृष्टि में जो भी साकारी धर्म पिताएं हैं और उनको फॉलो करने वाले जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी राजाई उस प्रजापिता के द्वारा स्थापन होती है। उनका काम है, उन्होंने यहां जीते जी राजाई ली है दुनिया की। तो बच्चे का काम है जो अपने बच्चे हैं, प्रजापिता देहधारी है या सदैव आत्मा अभिमानी है? है देहधारी है। तो देहधारी जो बाप है उसका भी काम है अपने बच्चों को, जो देह से पैदा हुए 500 करोड़ बच्चे हैं उन धर्मों में जाकर के राजाई स्थापन करेगा या नहीं करेगा? करता है, उसकी सहयोगी बनते हैं। बाबा जो बीज जो 50,000 बीज है, 4.5 लाख जो बीज है उसमें जो 50,000 हर धर्म के बीज है, तो वो जो बीज है दूसरे बीज वो भी जन्म लेते हैं क्या? वो बीज कौन से दूसरे बीज? जो प्रजा वर्ग के हैं, जो प्रजा में आने वाले बीज है। अरे जब राजा जाएगी लड़ाई करने के लिए तो प्रजा उनका साथ नहीं देती है, है? फिर यानी उसी जन्म में वो भी जाते हैं जाएंगे। देवों में स्लाइटली अंतर होता है। ये पंखा बंद कर दो। हाँ जी, अष्टदेवों में स्लाइटली अंतर होता है। हाँ जी, हाँ जी, जो गौर से देखने पे पता चलता है। हाँ? अष्टदेवों में स्लाइटली अंतर होता है। हाँ जी, जो गौर से देखने पे पता चलता है। हाँ, वो कौन सा अंतर है? जैसे फिनिशिंग होती है तो फिनिशिंग में कहीं न कहीं कोई नुक्स होगा या नहीं होगा, अंतर होगा या नहीं होगा? कहेंगे इस मकान की फिनिशिंग बहुत अच्छी है उस मकान के मुकाबले, फिर तीसरा मकान देखने जाएंगे तो कहेंगे इसकी फिनिशिंग जो है उन दोनों से भी ज्यादा अच्छी है। तो कुछ नुक्स देखा या नहीं देखा है? वो नुक्स पकड़ा जाता है बीज रूप में। बीज छोटा होता है बड़ा होता है, है? छोटा होता। तो नुक्स भी छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा नुक्स जरूर देखने में आएगा। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो वाइब्रेशन का विचार जरूर देखने में आएगा। आधार मूर्तों में दृष्टि का विचार जरूर देखने में आएगा। बाबा ने कह दिया कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, मैं बैठ करके बच्चों को दृष्टि देता हूं एक एक को, तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुमार का दादी ने क्या किया है? दृष्टि। हाँ हाँ जी, त्रेता में है
होता है। हाँ जी, तो सारे 2 करोड़ आत्मा एक साथ ही जन्म लेती है, तो आप में एक साथ जन्म लेती है इकट्ठी? सतयुग के आदि में एक साथ जन्म लेते हैं क्या? फिर आत्मा फिर कहाँ रहती है? जब संपूर्ण विनाश होता है तो सब एक साथ जन्म लेते हैं क्या? वहाँ तो परम धाम में रहती है, लेकिन त्रेता में कहाँ रहेंगे अर्ध विनाश के बाद? त्रेता में रहेंगे। जो अर्ध विनाश होगा उस विनाश काल में अकाले मौत होगी या साधारण मौत होगी? अकाले, अकाले मौत होती है। उस अकाले मौत में कुछ आत्मा ऐसी हैं जो त्रेता के अंत में जो कटी हुई सीढ़ियां हैं, स्वर्ग को नष्ट होने वाली सीढ़ियां, नष्ट करने वाली सीढ़ियां, उस स्वर्ग को नष्ट करने वाले बनते हैं। कोई ज्यादा नष्ट करते हैं, कोई कम नष्ट करते हैं। जो ज्यादा नष्ट करते हैं उनको लंबे समय का सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा या थोड़े समय का सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा, तो बस यही अंतर हो जाता है। सभी 2 करोड़ है, सभी थोड़े ही। अर्ध विनाश का मतलब ये आधा विनाश, बाकी आत्मा एक साथ, बाकी आत्मा कहाँ रहेंगी? बाकी आत्मा कहाँ जाएंगी? जिंदा रहेंगी? क्या परम धाम जाएंगी वापस? हाँ जी, बात अधूरी रह गई। अच्छा, पूरी कर दो। ये कुमारी का दादी हो तो आधार मूर्त में है। हाँ हाँ, तो उसमें दृष्टि वाली बात है, दृष्टि वाली बात जो कही कुमारी का दादी आधार मूर्त के लिए कही, लेकिन ये तो पूर्वज आत्मा है अष्टदेव, इनमें ये मुक्ति कैसे आता होगा? है दृष्टि वाला? हाँ, तो आधार मूर्त में आता है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनकी पहुंच दृष्टि तक रहती है कि वाइब्रेशन तक रहती है? तो वाइब्रेशन में कमी रहती है। और बाबा, हाँ, सुनने में आया है जो नर्मदा का तट है? जो नर्मदा नदी है, हाँ, उसके तट पर डायनासोर की हड्डियाँ, उसकी अस्थियाँ पाई गई है। अच्छा, जो डायनासोर की हड्डियां पाई गईं, वो कितने साल पुरानी थी? उसका कोई पक्का प्रूफ मिला? कोई पक्का प्रूफ नहीं। आज का वैज्ञानिक जो फैसला करता है, कल का वैज्ञानिक उसे काट देता है। जैसे डार्विन थ्योरी, उसमें साबित किया गया कि मनुष्य पहले बंदर था, धीरे धीरे उसकी पूंछ खलास हो गई, मनुष्य जैसा बन गया। बाद के वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को बिल्कुल उड़ा दिया, काट दिया। तो ये जो डायनासोर वाली बात है वो 2500 वर्ष के अंदर की बात है। कोई कहे आज क्यों नहीं मिलते वो डायनासोर? इसलिए नहीं बनते कि जिस किसी जंगल में डायनासोर थे मेल और फीमेल के रूप में, उसमें आग लगी और सारे ही मारे गए, कोई एक लुंजुम पुंजुम बच गया। और डायनासोर की आकृति होती है घड़ियाल जैसी। वो किसी नदी के किनारे पहुंचा और घड़ियाल से मुकाबला हो गया, फीमेल घड़ियाल से, तो अपनी प्रवृत्ति करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। तो दूसरे किस्म का जानवर पैदा होगा या नहीं होगा? वो डायनासोर की किस्म खत्म हो गई। लेकिन बाबा, नर्मदा तो दक्षिण भारत के आसपास है, तो दक्षिण भारत को तो भारत का विदेश कहते हैं। हाँ, दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहते हैं, क्योंकि जो नर भी है मादा भी है। नदी का नाम क्या है? नर मादा। वो कोई ऐसा पार्टधारी है शास्त्रों में जो नर का भी पार्ट बजाता है और मादा का भी पार्ट बजाता। कौन है? है? शिखंडी। शिखंडी
वो शिखंडी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का पार्ट है। वो रुद्रमाला का मणका है, वो पुरुष भी है और चोले से स्त्री का भी पार्ट हो जाता है। तो वो नर्मदा नदी जो है, जो जगत की अम्बा है, वो सारे जगत को जन्म देने वाली अम्बा साबित होगी या सिर्फ भारतवासियों को ही जन्म देने वाली साबित होगी? सारे जगत को जन्म देने वाली। तो सारे जगत में पश्चिमी सभ्यता है या नहीं है? है, पश्चिमी देश है ना। पूर्वी देश तो भारत है, पूरब में सूर्य उगता है, पूरब से भगवान सूर्य उगता है। बाकी वो नर्मदा का पार्ट संगम युग में ऐसा है कि आधा समय भारत में पार्ट बजाती है और बाकी पश्चिमी समुद्र में, अरब सागर में जाकर के मिक्स हो जाती है। जगत की अम्बा का पार्ट बजाने के लिए सारे जगत में जितने भी और धर्म हैं, उन सभी धर्मों की अम्बा बनने के लिए, उस जगदम्बा से ही ये प्रवृत्ति शुरू होती है अनेक पति बनाने की। नहीं तो बाप का दिया हुआ लक्ष्य क्या है? नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। जगदम्बा बनने का लक्ष्य है? है नहीं है। तो वो पश्चिम में जाके नदी गिरती है। तो बाबा उसमें तो उसके आसपास है, उसके तट के आसपास तो मतलब उसके तट के जो पश्चिमी देश है वहाँ तो पहले घना जंगल था। हाँ, तो वहाँ डायनासोर हो तो सकते हैं? हो सकते हैं, जाके देख आओ। अनुमान से क्या होगा? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मना अनुमान हुआ। लेकिन बाबा पाए गए हड्डियाँ तो पाई गई हैं? हड्डियाँ तो पाई गई, हड्डियाँ पाई गई। तो हमने कहाँ मना किया कि हड्डियाँ नहीं थी? हम भी तो कहते हैं द्वापर युग के आदि में डायनासोर नाम के कोई जीव जंतु थे जिनकी हड्डियाँ पाई जा रही हैं। बुद्धि जानवरों के पीछे पड़ी हुई है। हाँ बाबा, जो ऊपर से आत्मा है, जो ऊपर से आत्मा आती है द्वापर से, सूक्ष्म रूप में कब तक रहती है? ऊपर से आती है, सूक्ष्म रूप में क्यों रहती है? वो प्रवेश करके साकार बन जाती है। कितने समय? कितना समय? जब तक वो जिंदा रहेगा। जन्म लेते हैं? अरे प्रवेश करेंगी जब तक उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा जिंदा रहने का, साकार शरीर धारी का, तब तक उनमें प्रवेश करेगी। अरे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया तो जब तक उसे सूली पर नहीं चढ़ाया गया उसका नाम क्या रहा? क्राइस्ट ही रहा या बदल गया? क्राइस्ट ही रहा। बनाया माने यज्ञ के आदि में पहले सूर्यवंशी आत्माएं निकलती हैं आठ, या दादा लेखराज ब्रह्मा निकलते हैं ज्ञान में, बस उन्हीं आठ में से दूसरा नंबर अनुसुईया का है। जिसको सुनाया तो फर्स्ट में दादा लेखराज ने जिसको सुनाया, हाँ, वो अनुसुईया है जिसने दादा लेखराज ने सुनाया? नहीं, दादा लेखराज ने अपनी बहन को सुनाया। दादा लेखराज ने सुनाया साक्षात्कार भक्त के रूप में? हाँ हाँ। दादा लेखराज सुना के निकल गए घर से। हाँ, उसके बाद वो दो माताएं थी, एक दादा बच्ची पीता माता। हाँ, उसमें से अनसुईया कौन इस मत के अनसुईया का सूटिंग? देखो जो दो माताएं हैं यज्ञ के आदि की,
जिनकी बुद्धि में पहले पहले बैठा प्रजापिता के द्वारा बताया हुआ व्याख्या का राज, उनमें एक थी मुंह की बोलने वाली, मुख से बोल बोल ज्यादा करती थी और बुद्धि कम चलाती थी, और दूसरी कैसी थी, बोलती कम थी लेकिन बुद्धि की तीखी थी। तो उन दोनों माताओं में से किसने पहले समझा होगा, उसने पहले समझा, जिसने पहले समझा उसी ने दादा लेखराज और मम्मा को समझाया, साथ साथ समझाया मम्मा को भी और दादा लेखराज को भी। दोनों का फाउंडेशन पड़ गया सतयुग में साथ साथ जन्म लेने का। ओम राधे मम्मा बाद में आती है, दो चार वर्ष के बाद, शुरुआत में नहीं आती 36-37 में। अरे बच्चा बनाया, फिर अनुसुईया घुस गई बीच में। अरे संगम युग में जो बुद्धि रूपी पेट में डालेगा वो ही तो निमित्त बनेगा। ब्रह्मा की बुद्धि रूपी पेट में किसने ये बात डाली, उसने डाली तो वो ही माँ बन गई। हाँ, और उस माता को जिसने समझाया वो प्रजापिता पाप बन गया, शूटिंग हो गई। अनसुईया कहाँ से घुस पड़ी यहाँ बीच में। पापा जो अनसुईया ये दो माताओं से बड़ी है या छोटी, कौन सी माताओं से, लक्ष्मी और जगत। अब ब्रह्मा को सुनाया ही ना, ब्रह्मा ने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा बाप है ये हमारी अम्मा, पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना। जिन्होंने पहचाना वो सूर्यवंशी हुए नंबर वार, तो किसने पहचाना होगा, अष्ट देवों में से जो नंबर वार आठ हैं उन्होंने पहले पहचाना। हाँ रहे किसने बोला, और सुनो जाके, बाबा ने तो कहा है सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, वही बातें बुद्धि में घूमती हैं। दीदी दादियों ने बताया दीदी दादियां ने कितना झूठ बोलती हैं। बाबा ये जो दो माता है ये क्या चंद्रवंशी है, ये दोनों है जो दो माता है ना, हाँ सुनने वाली और समझने वाली, हाँ ये तो चंद्रवंश ना। ज्यादा बोल बोल करने वाली कौन से धर्म में होते हैं, कौन सा धर्म ऐसा है जहाँ का जो इबादत का स्थान है वहाँ हर समय वाणी चलती रहती है, गुरुद्वारा, वहाँ की वाणी बहुत प्रसिद्ध है, गुरुवाणी। तो बोल बोल करने वाले बहुत हैं, सुनते किसी की नहीं है। आप भी सुनाने जाओगे वो गुरु नानक की बातें सुनाना शुरू कर देंगे, आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। अरे वो जिसको मानते हैं जगदम्बा को, जो जगदम्बा को मानते हैं उस जगदम्बा के मंदिर में भी तुम जाओ ये ज्ञान सुनाने एडवांस का, वो तुमको समझाना शुरू कर देंगे, वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। अच्छा उन मंदिरों की बात छोड़ दो, बाहर की दुनिया के जो जगदम्बा के मंदिर है, अपने ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा है या नहीं है, उसके फॉलोअर्स भी होंगे कि नहीं, उनको जाके सुनाओ उनके मंदिर में, वो तुमको सुनाना शुरू कर देंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। बाबा जैसे फाउंडेशन पड़ा ना ये दो माताएं थी, हाँ जी सूर्यवंशी माता जो अनसुईया थी उस समय कहाँ थी सूर्यवंशी माता, तो ये तो आगे रहते हैं ना सूर्यवंशी, आगे रहते हैं तो सुनने में आगे रहते हैं या समझने में आगे रहते हैं, समझने। तो आप किसको आगे समझते हैं,
नहीं तो वो उनकी प्रत्यक्षता नहीं है। आप आगे किसको समझते हैं सो तो बताओ, है सुनने वालों को या समझने वालों को? समझने वालों को। तो समझने वालों ने बाद में समझा या पहले समझा? फिर पहले सुनने की बात आती है। और हाँ, जो विकर्म है वो तो सभी से होते हैं, हैं? सब पुरुष गुरु दुशासन है तो विकर्म तो सभी से होते हैं। हाँ, शंकर जी से भी होते हैं और ब्रह्मा जी से भी होते हैं। फिर अष्टदेव सजग क्यों नहीं था? अष्टदेवों से भी होते हैं। तो बताओ कि जब पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पढ़ाई शुरू होती है स्कूलों में, तो पहले ही दिन में कोई संपन्न बन जाता है, पास हो जाता है, फिर क्यों कहते हो? अरे पढ़ाई जब पढ़ाई जाएगी पूरी, उसके बाद ही एग्जाम लिया जाएगा ना। पढ़ाई पूरी हुई नहीं और एग्जाम बता दिया, राम फेल हो गया। तो राम तिमाही में फेल हो गया, छमाही में फेल हो गया या फाइनल में फेल हो गया? हैं? छमाही में फेल हो गया है? आदि के एग्जाम में फेल हुआ, वो तो सभी फेल होते हैं। ऐसा कोई है ज्ञान में चलने वाला जो विकारों की लड़ाई में फेल न होता हो? है कोई? है? सभी फेल होते हैं। जब तक संपन्न स्टेज ना आ जाए तब तक फेल ही होते रहते हैं। बाप आथ देते हैं, बच्चे अंतिम जमे विजय तुम्हारी है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम लगे रहो। साइकिल पर चढ़ने वाला बार बार साइकिल पर चढ़ता है, बार बार गिर पड़ता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिर पड़ता है, तो वो हारा हुआ माना जाएगा या जीता हुआ माना जाएगा? हारा हुआ। हारा हुआ माना जाएगा। अगर हार गया तो दोबारा उठ करके क्यों चढ़ जाता है? माने जब तक हिम्मत हारे हार, हिम्मत हारने से हार कही जाती है। और हाँ हाँ है, क्या हुई थी? सिंधु सभ्यता। हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ये तो अंग्रेज लोग और मुसलमान लोग जब पश्चिमी भारत से आए हैं तो वहां पहले सिंध देश पड़ता था, सिंध नाम का स्टेट था, जो सिंध नदी के आसपास वाला स्टेट है उसका नाम रखा गया सिंधु, सिंधु प्रदेश। और उन लोगों ने वहां की सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु सभ्यता। सिंधु से बदल करके हिंदू हो गया। वो जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री है कि भारतवासियों की लिखी हुई हिस्ट्री है? अंग्रेजों ने अपने को ऊंचा उठाने के लिए बता दिया कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। और हाँ हाँ अष्टदेवों में जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं आठ दिशाओं में, वो उत्तर दिशा में कुबेर को दिखाया जाता है और उत्तर पूर्व के कोने में बाप को दिखाया जाता है। माना बाप आते हैं तो कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। और है हाँ, क्यों
माताएं घर नहीं संभालती हैं, हैं? मात कन्याएं जब घर संभालती हैं, कोई घर में जाती है ना, तो जब घर संभालती हैं, तो जिसका घर संभालती हैं वो हो गया वर, और जो घर संभालती हैं वो हो गई माता। तो जो मिनी मधुवन खोले जा रहे हैं, वो मिनी मधुवन में कन्याएं जाकर के वो परिवार नहीं संभालती हैं, पालना नहीं करती हैं बच्चों की, तो माता नहीं हुए। अरे खुल के पूछो, पूछ तो पाती नहीं हो। माताएं कुमारियां इसी तरह बन जाती हैं कि कुमारी जो होती है, जब उनको वर मिलता है तो वर की ओर से घर भी मिलता है, मिलता है कि नहीं, वो घर संभालने के निमित्त बनती हैं, तो माता बन जाती हैं। उस घर में जो भी रहेंगे उनकी परवरिश कौन करेगा? माता करेगी। हाँ, और खुल के पूछो जरा। हाँ, तो क्या हुआ, जो अभी अभी भट्टी करके आया वही नया होता है क्या? वो पुराना नहीं हो सकता है? पूर्व जन्म का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ हाँ, बाबा जब एक्चुअल सतयुग शुरू होगा है, जब एक्चुअल सतयुग शुरू होगा, साकार सतयुग। हाँ एग्जैक्ट, नहीं एक्चुअल एक्चुअल। हाँ, वो एक्चुअल सतयुग तो यहीं से ही शुरू होगा, संगम से। एक्चुअल माने सच, जब प्रकृति के पांचों तत्व जो है वो सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ, तो तब एक्चुअल सतयुग शुरू हो जाएगा ना, जब इसमें सभी को सुविधा ही होगा। हाँ, तो उस समय जो आत्माएं परमधाम से उतरेगी। हाँ, जैसे पहले प्रजापिता और अष्टदेव आएंगे। नहीं, वो भी नंबर बार आएंगे। हाँ, नंबर बार आएंगे। हाँ, तो ऐसे जो 4.5 लाख जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो भी सब नंबर बार आएंगे। आएंगी, तो ये क्रम कितने समय तक चलेगा, कितना समय का होगा ये? जो कृष्ण का जन्म होगा और कृष्ण की राजाई चलेगी, वो कितने समय तक चलेगी? 150 वर्ष तक। 150 पौने 200 वर्ष। जितनी भी राजाई चलेगी तब तक वो आत्माएं नीचे 4.5 लाख उतरती रहेंगी। मतलब एकदम शुरू में 4.5 लाख नहीं होंगे? शुरू में 4.5 लाख नहीं होंगे, शुरू में ही कैसे उतर आएंगे? फिर पहले जन्म में 9 लाख जनसंख्या कैसे मानी जाएगी? पूरे 84 जन्म ही कहेंगे ना। किनके? मतलब कुछ जन्म तो पूरे ही 84 कहेंगे। नहीं, कुछ वर्ष कम रहेंगे। कुछ वर्ष तो जो राधा और कृष्ण के बाद आएंगे उनका भी कुछ न कुछ कम हो जाएगा। कुछ वर्ष तो राधा कृष्ण के ही कम हो गए। राधा कृष्ण कृष्ण वाली आत्मा के 50 वर्ष कम नहीं हो गए? फिर और जानबूझ करके जो काम किया जाता है उसका पाप ज्यादा बनेगा, और अनजाने में जो काम हो जाता है उसका पाप तो कम ही बनेगा। बनेगा क्यों नहीं? संभाल के नहीं किया ना, अलर्ट होके नहीं किया ना। जैनी लोग हैं, जो जैनियों में साधु होते हैं वो मंजन भी नहीं करते कि दांतों के कीड़े मर जाएंगे। तो देखो कितने अलर्ट रहते हैं। बरसात में इधर उधर आना जाना नहीं करते हैं। चौमासा एक जगह रह करके बताएंगे। आना जाना करेंगे तो पता नहीं जाने कितने कीड़े मकोड़े मरते रहेंगे, तो अलर्ट रहते हैं ना। और जैन धर्म वाले जो इतने अलर्ट रहते हैं, उनके जैन मुनि, तो जैन धर्म की आत्माएं सुखी रहती हैं या दुखी रहती हैं? क्या देखा है? ज्यादातर सुखी देखी जाती है।
तो जो अनजाने में काम हो जाता है वो अलबेलेपन के कारण होता है। अलर्ट रहो। राजा दशरथ ने तीर चलाया था कौन से युग में? हैं? संगम में तीर चलाया था। अच्छा हाँ है, तीर चलाया था है? हाँ कौन? हाँ उनको उनको शाप मिल गया। हाँ श्रवण श्रवण कुमार के माँ बाप को भी सजा मिली, वो अपने बच्चे से अलग हो गए, उन्होंने शाप दे दिया दशरथ को, तो दशरथ को भी वही सजा मिली। आप दशरथ किसे समझते हैं? झाड़ के चित्र में कोई रथ दस दिखाए हैं? नहीं दिखाए। जड़ों में बैठे हुए कितने रथ हैं? दस रथ हैं। दस धर्मों के दस रथ हैं। वो जो दस रथ हैं उनका समूह रावण कहा जाता है। समूह को क्या कहते हैं? रावण। और राम ही रावण बनता है तो वो ही दशरथ हो गया। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ जोर से बोलो। किसी हनुमान का मोह खुला क्यों होता है? पूजा हनुमान मुंह बंदर की तरह आगे क्यों होता है? और दूसरा बोले एक बात पहले पूरी कर लो। हनुमान का मुंह बंदर की तरह आगे होता है। आगे का मतलब ये है कि वो आत्मा जब ज्ञान सुनाना शुरू करती है तो राम वाली आत्मा से भी आगे जाती है। ज्ञान ही नाम अग्रगण्यम गाई जाती है। क्या ज्ञानियों के बीच में आगे आगे जाने वाली? और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो हनुमान वाली आत्मा जो है राम वाली आत्मा को बहुत प्रिय है, क्योंकि आगे आगे आकर के सुनाती है। और जहाँ रामायण की बात आती है और जहाँ कृष्ण के भागवत की बात आती है, वहाँ कृष्ण या राम वास्तव में भगवान है या मनुष्य है? मनुष्य है, वो भगवान नहीं थे। और हाँ अभी पुरी में आया, जैसे नीचे आग चलती है ऊपर धुआं उठता है, तो अपन जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमारा ज्ञान अंगारे है, जैसे जा तो जल जाएंगे या लोग हम मर जाएंगे। माने कि ओम शांति का जी कैसा ज्ञान निकला तो मरना ही है सारी दुनिया को, या तो जीते जी मर जाओ और ना ही तो शरीर की मौत मर जाना, मरना जरूर है। ज्ञान लेंगे तो भी मर जाएंगे वो, तुम लोग नहीं लेंगे तो भी मरेंगे। विनाश होगा, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे ज्ञान विनाश कर सकते हो? हाँ एटम बम तुम्हें दिखाई नहीं पर तुम्हारे घर की सजावट के लिए बने, उनसे पूछो ना। जो जयगुरुदेव महाराज का एक ज्ञान है ना, वो लोग आए थे, वो भी तो कहते हैं सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अपन ने बोला 2036 में होगा बेटा। क्या अपन बोलते हैं? हाँ वो लोग बोलते हैं मस्त 14 वर्ष है, 14 वर्ष हो रहे बाकी दुनिया नष्ट हो जाएगी। वो 14 वर्ष कब से बोले? 14 वर्ष जो उन्होंने बोले हैं वो 2014 से बोलना शुरू किया। हाँ
क्योंकि इस दुनिया में तुम बच्चे जिंदा रहेंगे, निश्चय बुद्धि बन के रहेंगे, अमर हो जाएंगे, अनिश्चय की मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, बाकी सबकी अनिश्चय की मृत्यु। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, तो वो 14 से लेकर के 28 तक 14 साल पूरे होते हैं। 28 तक इसलिए कि बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो 40 वर्ष होते हैं 18 के आसपास, और 28 में होंगे 50 वर्ष पूरे। माने ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो अभी नहीं सुन रही है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान मैं कृष्ण वाली आत्मा नहीं हूं साकार में, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। 28 के बाद उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, 2018 में वो आत्मा स्वीकार करेगी क्या कि वास्तव में भगवान का पार्ट किसका है। जिसका पार्ट भगवान का है वो ही देवता का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई भी देवता मनुष्य मात्र या राक्षसी मात्र की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए, वही भगवान वो मानेंगे। किनको? हाँ क्या टचिंग हो रही है? उनसे कहो आ जाओ ना तुम। ये हाँ कबीरदास की आत्मा देवात्मा है, जैसे तुलसीदास की आत्मा देवात्मा है, कबीरदास की देवात्मा है। कबीरदास को हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने माना या सिर्फ हिंदुओं ने माना? दोनों ने माना ना, दोनों की बुराई की, लेकिन सच्चाई बताई या झूठ बताया है? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजे पहाड़, किसकी बुराई कर दी है? हिंदुओं की बुराई कर दी। दूसरी तरफ बोला काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चले मोड़ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन बात सच्ची बोली या झूठी बोली? तो सच्चाई सबको प्रिय है, हिंदुओं को भी सच्चाई प्रिय है और मुसलमानों को भी सच्चाई प्रिय है, इसलिए दोनों कबीरदास को मानते थे। हमारे भारतवर्ष में ब्रह्मा के 4 पहले पहले पुत्र हुए हैं, ऐसे नहीं है कि जो पुत्र ज्ञान में योग में बहुत तीखा था, योगीश्वर और ज्ञानीश्वर की उपाधि जिसको मिली उसी की मान्यता है, बाकी 3 की मान्यता नहीं है। वो 3 की भी मान्यता है भले वो दूसरे धर्मों के बीज हैं, उनमें कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है तो भी श्रेष्ठ आत्मा तो है ना, तो वो श्रेष्ठ आत्मा जो आकर के चलो तुलसीदास नहीं बनती है, कबीरदास तो बन सकती है कि नहीं बन सकती है? तो मान्यता है हिंदुओं में भी है तो मुसलमानों में भी है। रैदास का है, रैदास वाली कौन सी आत्मा? हाँ रैदास, रैदास जो थे चमार थे दुनिया की दृष्टि में, वो चारों वही से अलग। हाँ जी, और रैदास को गुरु के रूप में किसने माना? उनका फर्स्ट क्लास भक्त कौन निकला बताओ? अरे कोई बोल तो रहा है, मीरा बाई।
और मीराबाई का पार्ट किसका है? जगदम्बा का है। मीरा दासी तुलसी का पार्ट है, तुलसी आंगन में बैठाई जाती है दासी के रूप में, बेडरूम में नहीं रखी जाती। बेडरूम में रानी बैठेगी या दासी बैठेगी? है रानी बैठेगी। तो जो जगदम्बा ने गुरु बनाया, वो गुरु वास्तव में उसका धंधा क्या था? है चप्पल गांठने का, चमड़ी का काम करने का। तो जैसा गुरु वैसा चेला। जगदम्बा ने भी चमड़ियों को पकड़ लिया, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं को पकड़ लिया और दूसरे धर्म पिताओं की प्रजा पैदा कर दी, सभी धर्मों की अम्बा बन गई। लेकिन जो चमड़ी से परे है उसको पहचाना नहीं। चमार को गुरु के रूप में मान लिया, वो हद का चमार, और यहाँ वेद के चमार की बात है। हाँ भटकी तो थी, भागने वाली तो थी, लेकिन क्या स्वर्ग में चली गई? गई स्वर्ग में तो नहीं गई, तो फायदा क्या हुआ? और वो भक्तिन जो कृष्ण को मानने वाली थी, उसने भगवान के सच्चे रूप को पहचाना। जो मीरा है कृष्ण की भक्त हुई, वो कृष्ण जिसने भगवान को नहीं पहचाना बच्चा बुद्धि होने के कारण, उसकी भक्त थी या जिसने भगवान को पहचाना उसकी भक्त थी? फिर और है ब्रह्मा भोजन क्यों कहते सीधा शंकर भोजन क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा भोजन क्यों कहते, विष्णु या शंकर भोजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां भोजन खाने में बड़ी मशहूर है। जो ब्रह्मा की यादगार मंदिर बना हुआ है भारत के पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है श्रीनाथ मंदिर। किसका नाथ? श्री माने श्रेष्ठ देवताएं। तो देवताओं का नाथ जो बनता है पहला नारायण सत्युग का, वो हुआ श्रीनाथ। और संगम हुआ वो कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो खाने पीने में 36 प्रकार के भोजन खाने में बड़े सिद्ध हस्त थे या सादा भोजन खाते थे? छप्पन प्रकार के भोजन खाते थे। और ब्रह्मा कुमारियां भी आज 56 प्रकार के भोजन खाती हैं। और उनके जो फॉलोअर हैं श्रीनाथ दरबारे में, वो भी घी का एक कुआ बनाया हुआ है। भक्त लोग आते हैं पीपों की पीपों, डब्बों के डब्बों उसमें उड़ेल देते हैं, और उसमें मशीन लगी हुई है, मशीन के द्वारा वो घी निकाल करके कड़ाहों में डाला जाता है। उसमें 36 प्रकार के भोग बनते रहते हैं। वो 36 प्रकार के भोग उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो पैसा देते हैं। सब गरीबों को वो 36 प्रकार का भोग नहीं मिलता है। वो कहाँ की यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों में जाके देख आओ। पैसे देंगे तो 36 प्रकार के भोग मिलेंगे, या जो पैसे दे ही नहीं पाते हैं उनको मिलेंगे? ऐसा ही है। है एक टीके की बहन उसको हमने मैंने कि एडवांस का ज्ञान दिया, वो बोलती है कि शंकर तो है ही नहीं, क्यों शंकर भगवान को हम लोग देखो उसकी कर्म
तो बता देती ना, तुम्हारा शंकर जी जो कुमार का दादी बनी बैठी थी, ऊपर शिव का चित्र लगाया निराकार का, और नीचे कुमार का दादी बैठी शंकर के रूप में, बीच में जानकी दादी बैठी, और नीचे ओ, 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 गुलजार दादी ब्रह्मा के रूप में बैठाई गई, वो कुमार का दादी शंकर थी। पूछो उनसे, उनसे पूछो। मैंने पूछा था उससे, देखो बहन से पूछा, मैंने कहा आप बता रहे हो कि शंकर का पाठ नहीं है, लेकिन जो त्रिमूर्ति में दिखाते हैं वो तीनों पुरुष चोले में है। तो वहाँ पे आपके टीके में जो चित्र बने हैं दादियों के, तो वो क्या भगवान है क्या? उनको आपने भगवान की तरह उपाधि दे रखी? अरे वो शंकर जी तुम्हारे जो बन के बैठ गए पोस्टरों में, वो मर गए पहले ही कि सारी सृष्टि खत्म कर गए? हाँ, तो वही तो हमने कहा कि वो पोस्टर किसी ने रखे हो तो निकाल के लाओ। हाँ हाँ, ये जो आप जो मुरली में आज, अरे रुको, है बाबा मुरली का जो पॉइंट था, है मुरली का जो पॉइंट था कि भगवान इस सृष्टि पे आए हुए हैं, तो इस बात का इस समय कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं है, है? जो भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं, इस बात का कोई अभी इस समय प्रूफ या प्रमाण नहीं है। तो इस बात की के लिए मिसाल दिया गया कि आग जलाए तो धुआं निकलेगा, इस बात के लिए मिसाल दी गई कि आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, लेकिन अगर कोई दो चीजें आपस में घिसती है तो भी तो उससे धुआं निकलता है। तुम यहाँ काहे के लिए बैठे हो? यहाँ काहे के लिए आके बैठ गए? अरे इधर उधर देख रहे, हम पूछ रहे कि तुम यहाँ आके क्यों बैठ गए? बुद्धू बनाने के लिए? अब बताओ ना, जल्दी बताओ, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। किस लिए आके बैठ गए? निकलो बाहर। तुम प्रूफ बैठे हो कि नहीं? तुम खुद प्रूफ बैठे हो कि नहीं? बताओ। ऐसे क्यों करते हो? आगे पाठशाला चलती थी पहले, है गाँव पे पहले एक बेसिक पाठशाला चलती थी, गीता पाठशाला बेसिक गीता पाठशाला चलती थी पहले गाँव में, तो गाँव में बीके की गीता पाठशाला चलती थी, अभी एडवांस की हो गई। हाँ, तो बीके वाले जाते हैं तो घर वालों को भड़का के जाते हैं, उसे बोलते हैं कि ब्रह्मा ये तुमने चित्र बना कर रखा है झंडा में, अगर हम केस कर देंगे आपके ऊपर। हाँ, आप ये मतलब ये शासन ये है ना सरकारी है, और आपने उसके चित्र बनवा के रखे हैं झंडे के, तो वो लोग उनको भड़का के जाते हैं। अच्छा बताओ, अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे या मुसलमान लोग जब भारत में आते थे तो हिंदुओं को भड़काते थे कि नहीं? है भड़काते थे ना, अरे तुम्हारे राम भगवान कैसे भगवान है, उनकी सीता चुराई ली गई, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? तो ऐसी ऐसी बातें सुना करके, ग्लानी करके जो कच्ची कच्ची आत्माएं थी उनको कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही उस गीता पाठशाला में जो आपके गांव में है, एडवांस में चलने वाली जो आत्माएं हैं अगर कच्ची होंगी तो उनका दिल घबराएगा क्या? अरे कहीं हमारी गीता पाठशाला बंद न करवा दें, हमारे ऊपर केस न कर दें, वो घबराएंगी। और जिन्होंने पक्का पहचान लिया उनको तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में, 18 से 28 तक, तो उसमें क्या बेवकू एंकर की शैली से बाहर आने लग जाएंगे? हैं जो आत्माएं जो बेवकूफ एंकर है, कहाँ है बेवकूफ एंकर है जो आत्माएं बेवकूफ है? हाँ, जिनको अपने पाठ का पता नहीं है। हाँ, तो वो क्या पाठ भी खुलने लग जाएंगे? वो क्या होगा? पार्ट भूलने लग जाएंगे, उनके पार्ट खुलने लग जाएंगे। अरे अगर 8 क्लियर हो गए और उनको अपना पता चल गया कि हम अष्टदेवों में से ये नंबर के हैं,
तो पार्ट खुला नहीं? आपका पार्ट खुला है या नहीं खुला? आपको पता चला कि नहीं चला? हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं या सूर्यवंशी हैं? आपका पार्ट खुला या नहीं खुला? खुल गया ना, तो ऐसे ही नंबर वार हैं। किसी का ज्यादा खुला और किसी का कम खुला। और ये जो मूवी में बोला है कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, हाँ? लेकिन तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो ये बाप दादा भी बेहद के दो हैं। और क्या एक है? एक आत्मा का नाम है। तो ये किनके लिए बोला है? बाप है जो सृष्टि का बाप है, और दादा वो है जो सृष्टि का पहला पत्ता है, सबका दादा बड़ा भाई। तो बाप दादा नहीं है? हाँ, लेकिन वो पत्ता तो अभी संपूर्ण हुआ ही नहीं, तो वो वापस कैसे चला जाएगा? हाँ, इसीलिए तो कि बाप भी वापस नहीं जा सकता। चाहे तो दादा को संपन्न बना के वापस ले जा सकता है, लेकिन और बच्चों के लिए भी रुका हुआ है। उनमें भी सबसे पहले वो आठ हैं, क्या अष्टदेव, वो भी बच्चे हैं बाप के। मनुष्य सृष्टि में वो पहले बच्चे हैं आठ, उनको छोड़ करके नहीं जा सकता। और वो माया का बताया था एक वार्तालाप में कि 2 लाख में माया नहीं आती है। अच्छा, आपके अंदर तो बिल्कुल नहीं आती होगी। नहीं, आप तो आप 9 लाख के अंदर नहीं है, इसका मतलब आपने समझ लिया हम 9 लाख के अंदर नहीं, हम तो बाहर हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या माया जो पार्ट, आप एक बात बताओ, आप 9 लाख के अंदर हैं कि नहीं? नहीं, पार्ट खुला ना? हाँ, तो आप जब 9 लाख के अंदर हैं तब आगे बात बताइए। तो बाबा ये कहा वार्तालाप में, किसी भाई ने प्रश्न किया था, माया 9 लाख में नहीं आती है। माया 9 लाख में नहीं आती है, माने आप 9 लाख के अंदर हैं, बाहर नहीं है। आती है कि नहीं? तो बात खत्म करो। वो जो प्रजा है पहले जन्म, फिर वही बात, दूसरे जन्म में आती है माया, पहले जन्म में नहीं। दूसरे तीसरे जन्म की बात नहीं, माया तो 21 जन्म के बाद आती है। माया दूसरे तीसरे चौथे जन्म में नहीं आती, सत्य उत्तरीतर में 108 की माला में तो आती है। 108 की माला में तो आती है। 108 की माला में माया नहीं आती है। गुलजार दादी से एक बार पूछा गया कि आप वतन में होकर के आई हैं, आपने वहाँ बताया कि हमने माला देखी, तो दादी बताती हैं वहाँ माला में हमने एक भी चेहरा अपने भाई बहनों का नहीं देखा। इससे साबित हो गया कि जो माला बनेगी वो जिंदा लोगों की बनेगी या मरने वालों की बनेगी? तो कुमार का दादी हुए, ब्रह्मा बाबा हुए, मनमोहनी दीदी हुई, विश्व किशोर हुए, ये शरीर छोड़ गए हैं या जिंदा हैं? फिर 8 की माला सर के ऊपर रखी जाती है भगवान के, तो वो जिंदा हैं या मर गए? जिंदा रह करके उन्होंने नाम कमाया ना। और हाँ, क्यों नहीं चमार होगा? अरे गुरु के रूप में मीरा की दृष्टि चमार के ऊपर जाएगी या ज्ञान के ऊपर, ज्ञानी के ऊपर जाएगी? है ज्ञानी, मीरा जगदम्बा का पार्ट है। गुरु के रूप में उसने किसको पहचाना? किसको पहचाना है? मीरा और तुलसीदास और सूरदास एक ही टाइम के तीनों हैं। क्या मीरा ने तुलसीदास को पहचाना, सूरदास को पहचाना? नहीं पहचाना। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में सिंदूर है और लक्ष्मी के गले में फूल है। हाँ, जो फूल हैं
जो फूल हैं वो फूल भगवान को चढ़ाए जाएंगे या भगवती को पहले चढ़ाए जाएंगे? है, किसको चढ़ाए जाएंगे? भगवान को चढ़ाए जाते हैं। हाँ, और लक्ष्मी तो खुद ही फूल है। फूल उसे कहते हैं जो सुखदाई हो। विष्णु के पांव दबा कौन दबाता है? लक्ष्मी। तो सुखदाई है या दुखदाई है? है सुखदाई है तो फूल है या नहीं है? फूल है। फूल हल्का होता है या भारी होता है? फूल हल्का होता है, सुखदाई होता है, हाँ, खुशबू देता है। दिव्य गुणों की खुशबू है या नहीं है लक्ष्मी में? है तो फूल है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। हाँ, और माया का ये विरुद्ध है कि वो सबसे पहले बाप के आगे सरेंडर होती है। तो सरेंडर होने वालों में अष्टदेव सबसे पहले सरेंडर होंगे ना बाप के बच्चे? सरेंडर होना अलग बात। कागज पे लिख दिया सरेंडर हो गए, खून से लिख दिया यज्ञ के याद में बहुतों ने हम बाप के बन गए, क्या प्रैक्टिकल में बन गए? बाप जैसे चलाना चाहता है वैसे चलते हैं? चलते हैं तो काहे के सरेंडर हो गए? प्रैक्टिकल में कहाँ सरेंडर हुए? लेकिन 18 में तो माया किसी को सरेंडर होने ही नहीं देती ना। हाँ, 18 तक किसी को सरेंडर नहीं होने देती ये नहीं कह सकते। एक तो सरेंडर होता है तो फिर बस वो विश्व का मालिक बन जाता है, माया हार जाती है। ओम शांति। बस 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 बस।